देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमने दिवाली संघ का उद्देश्य रखा, क्या रखा? शक्तिशाली बनकर राक्षसी वृत्ति को समाप्त करना है, शक्तिशाली बनकर राक्षसी वृत्ति को समाप्त करना है, संस्कृति रक्षक बनकर संस्कार में संस्कृति को बचाना है। क्या इसकी जरूरत है? क्या किसी भी काम के लिए जब तक हम क्यों नहीं जानते तो करने में उसका हमारा उत्साह नहीं बनता, पूरा हम पूरी तरह से उसमें लग नहीं पाते। तो क्या करना है, क्यों करना है, ये हमें अवश्य मालूम होना चाहिए। हम चाहते हैं सभी सुखी, इस दुनिया में अलग अलग कामनाएं हो सकती हैं पर सबके पीछे इच्छा क्या है कि सब सुखी, इसमें किसी का कोई दो मत नहीं है। छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी मत को मानने वाला व्यक्ति हो, सभी चाहते हैं हम सब सुखी हो और यही शक्ति वाला सब चाहता है सब सुखी हो, और उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। सुखी होना आसान नहीं है। सुखी कैसे हो? आम तौर के ऊपर पहले कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी का है, लेकिन बहुत लोग मिल जाएंगे जो बीमार होकर भी सुखी हो सकते हैं। निरोगी का सुख का साधन है, हम खुश हों के ना हो एक अलग बात है। जैसे कि मेडिसिन बाबा है, शरीर से तो शायद ये सुखी ना हो, अंदर से शायद बहुत सुखी होंगे। पहला सुख निरोगी का आया, दूसरा सुख धन में आया। पैसे से बिना पैसे के निर्धनता सबसे बड़ा दुख कहा गया, लेकिन पैसे में सुख नहीं है, पर फिर भी कहा गया कि पहला सुख निरोगी का आया, दूसरा सुख घर में आया। लेकिन बहुत से लोग निर्धन होने के बावजूद भी सुखी हो सकते हैं। कबीर के बारे में बात आती है कि कबीर के समय में एक और संत उनके पास वहां मिले, तो गए मिलने, तो उन्होंने कहा कि कबीर जी बोले क्या चाहते हैं मुझसे? तो उन्होंने कहा कि भगवान का दिया सब कुछ है, कितना भी कुछ मांगो फिर भी पूरा अहंकार था संत के अंदर। तो कबीर जी क्या कहते हैं? मुझे एक पाव गरीबी दे दो, मुझे एक पाव गरीबी दे दो। तो उन संत के जो ऊपर जिस देवता से उनके लिख थे उनसे कहा हाथ बंद करके, भाई एक अजीब व्यक्ति आया है और कहते हैं एक पाव गरीबी दे दो। वो कहते हैं कबीर तो नहीं आ गया, नहीं कबीर तो नहीं आ गया, उसको प्रणाम करके भेज दे भाई, तीन पाव गरीबी पहले लिए बैठा है, तीन पाव गरीबी तो पहले लिए बैठा है, अगर उसको एक पाव गरीबी और दे दी तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। कितना सुखी था, कितना खुश था। तो फिर भी हम कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, आपकी काया निरोगी है, आपके पास घर में माया है, क्योंकि घर में क्लेश होता हो, पति पत्नी लड़ते हो, समाज में झगड़े होते हो, क्या सुखी रह पाओगे आप लोग? नहीं रह पाएंगे। उसके लिए संस्कार जरूरी है, घर में प्रेम के लिए संस्कार और समाज में प्रेम के लिए संस्कृति अवश्य संस्कार के बारे में मैंने विचार किया। संस्कार की चर्चा बहुत होती है, संस्कार है क्या, संस्कृति है क्या? तो मेरा एक स्वभाव है बात को सिंपल शब्दों में कहने का कि सब समझ लें। संस्कार है व्यक्तिगत व्यवहार, संस्कार है व्यक्तिगत उचित व्यवहार, और संस्कृति है सामाजिक उचित व्यवहार। व्यक्तिगत उचित व्यवहार होगा तो घर में प्रेम रहेगा, समाज में उचित व्यवहार होगा तो समाज के अंदर प्रेम रहेगा। अब मान लो प्रेम भी हो गया और घर में भी प्रेम है, समाज में भी प्रेम है, लेकिन राक्षसी वृत्ति तो समाप्त नहीं होती भाई। कुछ दो चार पांच लोग मोहल्ले के अंदर राक्षसी वृत्ति के लोग आ जाएं तो क्या आप सुखी रह पाओगे? नहीं रह सकते हम लोग। उस राक्षसी वृत्ति वाले का क्या इलाज है? शक्तिशाली बनो, शक्तिशाली बने बिना आप राक्षसी वृत्ति को समाप्त नहीं कर सकते। क्या हमारे श्री राम, क्या हमारे श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति थे? प्रेम की मूर्ति थे वो, उनको धर्म को उठाने पड़े, हनुमान जी समझाने जा रहे हैं लेकिन राम नहीं मानता, कृष्ण भगवान समझाने जा रहे हैं दुर्योधन नहीं मानता, उसके लिए हथियार उठाने पड़े। बुद्ध धर्म के लोग
जैन धर्म में अहिंसा सबसे बड़ी बात कहते हैं, लेकिन आज सफेद शिखर के ऊपर कोई बात आई तो उन्होंने कह दिया कि हमें झाड़ बिठाने पर उठाएंगे, क्योंकि हमारे को दूसरा पाठ पढ़ाया गया। विरासत ने कह दिया युद्ध नहीं होगा तो बुद्ध नहीं बचेगा, विरासत ने कह दिया। बुद्ध धर्म के मानने वाले को, जैन धर्म के मानने वालों को हम क्या कर रहे हैं, हमें दूसरा पाठ पढ़ा दिया गया अहिंसा परमो धर्म आगे छोड़ दिया गया। तथ्य बताया गया, सत्य नहीं बताया गया। तथ्य और सत्य में बहुत अंतर होता है। अहिंसा परमो धर्म में बता दिया गया वो तथ्य है, लेकिन धर्म अहिंसा तदैव चय उसके बाद का नहीं बढ़ाया गया हमारे पास कि धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा अहिंसा से उत्तम धर्म है तो रोक दिया गया। झूठ नहीं बोला गया, तथ्य बताकर छोड़ दिया गया और हम सब अहिंसा के पुजारी बन गए कि धर्म का विनाश होता। मैं कहा करता हूँ कि वो भीष्म पितामह नहीं बनना हमारे को जिसके आगे धर्म का अपमान हो रहा हो, नहीं चाहिए हमारे हमारे को भीष्म भगवान चाहिए, अपना वचन तोड़ देते हैं धर्म की रक्षा के लिए। धर्म की रक्षा करना, तब धर्म क्या है? आज धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। धर्म की डेफिनेशन क्या है? जैसे संविधान भारत किसी देश का, हर देश का संविधान होता है, वो होता है देश के कल्याण के लिए, देशवासियों के कल्याण के लिए। इसी प्रकार धर्म है वो संविधान, वो नियम जो मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए। धर्म के भी डेफिनेशन है, मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम धर्म है, वो सबके एक है। यदि वास्तविकता पढ़ेंगे जो इस्लाम को मानने वाले हैं, ईसाइयत को मानने वाले हैं, सिख धर्म को मानने वाले हैं, जैन को, बौद्ध को, हिंदू धर्म को, किसी को मानने वाले जो कहते हैं, एक ही सब कुछ मिलेगा। मैं कहा करता हूँ मेरी बात उन लोगों के लिए है जो या तो भगवान को मानते हैं या भगवान को नहीं मानते, बीच के लोग नहीं कहेंगे। भगवान को मानते हो या भगवान को नहीं मानते हो, भगवान को मानने वाले क्या कहते हैं? हर जगह भगवान है, हर जगह परमात्मा है। इसको और देखते हैं, उन्होंने भगवान के मानने वाले पूरा विशाल कर दिया कि सब जगह ब्रह्मांड के अंदर भगवान व्याप्त है। और यदि तत्व को देखें हम लोग, आम तौर के ऊपर बताया गया है कि धर्म जो हमारा शरीर बना है या ब्रह्मांड बना है, पांच मूल तत्वों से बना है, लेकिन वास्तविकता में तत्व आठ है। पांच तत्व जो कहते हैं हम लोग कि पृथ्वी जल से बनी, जल अग्नि से बना, अग्नि वायु से, वायु आकाश से, लेकिन सबसे पूरा नहीं होता। आकाश शब्द से बना है, आकाश शब्द से बना है, शब्द मूल तत्व है, शब्द मन से बना है, मन भी मूल तत्व है, जिसको आज तक कोई वैज्ञानिक खोज नहीं पाया कि उसका रूप क्या है, उसका साइज क्या है, लेकिन मन सबके अंदर है। और मन अहम से बना है, मैं हूं तो मेरा मन है, मैं हूं तो मेरा मन है, वो सबके अंदर एक है। वो मैं जो है वो आत्मा परमात्मा, ये भगवान के मानने वाले ने मान लिया। तो साइंस क्या कहती है कि दुनिया में कुछ एलिमेंट्स हैं, 137 के लगभग एलिमेंट खोजे हैं उन्होंने, जो बेसिक एलिमेंट हैं उनके एटम अलग अलग हैं। कॉपर का एलिमेंट अलग है मान लो, कहते हैं सोने का अलग, लोहे का अलग, कोयले का अलग, एलिमेंट एटम बनाया गया उनका। एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन, न्यूट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन सबके एक जैसे हैं, चाहे वो गोल्ड के इलेक्ट्रॉन हों, चाहे वो लोहे के इलेक्ट्रॉन हों, वे जैसे हैं। सर्कल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं और कैसे हैं, वो किस प्रकार से घूम रहे हैं, कोई गोल्ड बन गया और कोई कोयला बन गया। तो साइंस ने भी कह दिया इलेक्ट्रॉन के आगे और खोज हो गई हैं, प्रोटॉन वगैरह की, वो और भी एक जैसे हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में क्या है? सब एक जैसे। भगवान के मानने वाले ने कहा सब एक जैसे, भगवान के ना मानने वाले खोज दिया सब में वही है, चाहे जीव है वो चाहे निर्जीव है, सबके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक जैसे ही है। लेकिन वो राक्षसी वृत्ति के लोग जिनकी बात कर रहा था मैं, वो बिना शक्ति के समाप्त नहीं होंगे। तो मेरा आह्वान है आप सबसे, कवियों से, पत्रकारों से, कि आप आइए और शक्तिशाली बनाने की बात करें, इस समाज को, व्यक्ति को शक्तिशाली बनाए। उपाध्याय जी बैठे हैं, दिनेश जी, ये सारी उम्र से लगे हुए समाज काम करने के लिए, इनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा और आप सब सुनने वालों के भी यही निवेदन करूंगा कि श्री दिवाला सर चाहता है शक्तिशाली बने, हम सबको बनाए। हमने शक्तिशाली बनकर क्या करना है? किसी को मारना नहीं, राक्षसी वृत्ति को समाप्त करना है। इसे भगवान ने क्या किया? केवल राक्षसी वृत्ति वालों को समाप्त नहीं किया,
उनके साथ देने वाले चाहे वो अच्छे लोग थे बिशप पदाम में, उनको भी समाप्त किया। उनका जो कल को साथ दे सकते थे बद्री वगैरह जिनका बाबा श्याम के नाम से पूजा होती है, उनको भी समाप्त किया कि ना राक्षसी वृत्ति वालों को ना उनका साथ देने वालों को उन्होंने जीने नहीं दिया। शक्तिशाली कैसे बनेंगे? इसके दो ही रंग है, आत्मबल और संतान। दो ही रंग है, आत्मबल और संतान। हमारा आत्मबल इतिहास का तथ्य बढ़ाकर कमजोर कर दिया गया, सत्य को छुपा कर। तथ्य बताया गया, सत्य छुपाया गया। तथ्य झूठ तो है नहीं लेकिन सत्य बताया नहीं गया। और हम शेरों के बीच में जैसे भेड़ को, शेर के बच्चे को भेड़ों में रखते हैं, भेड़ बन जाता है, हम सब ऐसे बन गए। अभी अभी देखिए कि विश्व की कुछ संस्थाएं हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी, विश्व की संस्थाएं मानवीय संस्थाएं हैं, कहते हैं हंगर इंडेक्स के अंदर, भूख के अंदर भारत बहुत पीछे है और भारत से श्रीलंका आगे। जब लोग भूखे मर रहे हैं, श्रीलंका नेपाल भारत से आगे। भारत 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहा है, खाना पूरे विश्व को भोजन देने की बात कर रहा है, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट बना दी। एक और रिपोर्ट एजुकेशन के अंदर, अकेडमिक्स के अंदर, अफगानिस्तान भारत से आगे। अफगानिस्तान भारत से आगे। अब वो रिपोर्ट पढ़ाएंगे कौन? स्कूलों में, कॉलेज में दिखा दी जाएगी रिपोर्ट। एक अंतरराष्ट्रीय संस्था ने जिसका के नाम है उसने प्रकाशित कर दी। इसी प्रकार हमारे इतिहास में छुपा दिया गया कि हम भी विजयी भी रहे हैं, हम विषम गुरु रहे हैं, हम सोने की चिड़िया रहे हैं। इसका तो उदाहरण है हमारे पे आक्रमण हुए, क्यों हुए? झोपड़ी का आक्रमण कोई नहीं होता। आक्रमण किस पर होता है? पहलों पर। कुछ हो, हम सोने की चिड़िया थे। अभी मुझसे किसी ने कहा कि पिछले दिनों कुछ लोगों ने सम्मेलन किया और कहा कि हम शिव जी को नहीं मानेंगे, हम श्री राम कृष्ण को क्यों नहीं मानेंगे। अरे बाकी लोगों ने नहीं कहा ना, क्या भाई आपने कुछ है। अभी नारियों के बारे में मजाक क्यों उड़ता है? तो नारियों का मुकाबला करने की स्थिति पति में नहीं होती, तो उसका मजाक उड़ा दिया। जिस व्यक्ति का मजाक उड़ता हो, जब हम किसी का मुकाबला नहीं कर पाते, या तो उसको बेवकूफ कह देते हैं या हम उसको बेईमान कह देते हैं। तो इस प्रकार से हिंदू धर्म के अंदर कुछ है तो ही हर व्यक्ति उसका अपमान करने की कोशिश करता है। ये हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। लेकिन हमें शक्तिशाली नहीं बनेंगे, हम शक्तिशाली बनना भूल गए हैं, तो राक्षसी वृत्ति का हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और राक्षसी वृत्ति हमारे सामने सिर उठाए खड़ी है, सामने दिखाई दे रही है। हमने क्या काम करना है आज? जैसे एक व्यक्ति को मान लो चोट लग गई, दोष पड़ा है, तो कीमती क्या है? क्या उसकी घड़ी कीमती है, उसके पैसे कीमती हैं, या उसकी जीवन कीमती है? उसका जीवन कीमती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है उस व्यक्ति को जगाकर होश में लाया जाए, उसका इलाज किया जाए। इसी प्रकार आज अपना समाज जो बेहोश पड़ा हुआ है, सोया पड़ा हुआ है, और आज मैं कहूँ कि जानबूझकर आँख बंद करके पड़ा हुआ है, उसको जागृत करना है, उसको उठाना है। खड़ा हो जा भाई, शक्तिशाली बन जा, और राक्षसी वृत्ति को समाप्त कर। ना तो खुश सुखी रहेगा, ना तेरे आने वाले बच्चे सुखी रहेंगे, समृद्धि काम नहीं आएगी। तो समृद्धि के लिए मैं मूल मंत्र लास्ट में देता हूँ आपको, शक्तिशाली बनाने के लिए मैंने कभी बंधुओं से प्रार्थना की है कि सब कोशिश करेंगे कि सारे समाज में प्राण सुख देंगे, जागृति पैदा करेंगे, और सबको आत्मबल और संगठन के द्वारा, संगठन की बात करें, अरे जात पात की बात, हिंदू समाज में जो कहता हो कि पूरा भारत हर जगह पर भगवान है, हर व्यक्ति प्राणी में भगवान है, वो जात पात कैसे मान सकता है? लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर ये भी गलतफहमी पैदा कर दी, जो कर्म से होता था वो जन्म से बना दिया गया और हमारे को अलग कर दिया गया, जो कि कहता है सब जगह पर इवन हम तो पशुओं में भी भगवान मानते हैं, हम वृक्षों में, पत्थरों में भगवान मानते हैं, हम प्राणी से कैसे भेदभाव कर सकते हैं? लेकिन गलत शिक्षा दी जाए तो कोई भी व्यक्ति गलत बन सकता है। और समृद्धि चाहते हैं आप सभी, तो एक काम कर लीजिए भाई, समृद्धि दो ही चीज से आती है, भाग्य से और मेहनत से। परिश्रम करना आपके हाथ में है, और भाग्य बढ़ाने का ढंग बता देता हूँ आपको मैं, माता पिता की सेवा। कर सकते हैं सभी लोग? पत्नी का सम्मान, माता पिता की सेवा, पत्नी का सम्मान और बहन बेटी को उपहार, जितना दे दोगे उतनी समृद्धि घर में आ जाएगी। सिंपल फार्मूला दे रहा हूँ आप सबको, बहुत शुभकामना दीजिए। और आप सबसे मेरा नमस्कार, और आप सबसे मेरा निवेदन, आइए सिद्धि वाले सबसे जुड़िए।
और समाज को शक्तिशाली बनाने में हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद, प्रणाम। सर, आपसे आग्रह करेंगे कि ये 2 मिनट और रहूंगा आपका, और आप सभी प्रबुद्ध जनों से आदेश भी चाहूंगा कि जितने सुंदर वक्ता हैं उतनी ही सुंदर रचना भी लिखते हैं। तो आज सब प्रबुद्ध समाज भी है, 2 मिनट का समय आपसे और चाहूंगा कि प्रेम के ऊपर ही बात यदि आपको देर हो रही है, लेकिन आपसे समय चाहूंगा क्योंकि आज बहुत सारे कवि हो गए, उनको झेलना पड़ेगा। तो हाँ, तो मैं तो दो कुछ रचनाएं सर की सुने तो बहुत अच्छा लगेगा प्रेम के ऊपर में, और मैं सीधा सीधा आपसे आग्रह करूंगा कि आप मैं स्वागत भी करता हूँ। इस समय बहुत हो गया है, बात कर भी बैठे हैं, तो एक छोटी सी कविता सुना रहा हूँ जो मैंने 80 के दशक में लिखी थी। मैंने स्वागत ये कविता 80 के दशक में लिखी थी, फोटो इससे लेना। उसका नाम है साझा खुद। इस हिंदू मुस्लिम की दुनिया में इंसान कहाँ रहता है, इंसान कहाँ रहता है कोई बता दे। इस हिंदू मुस्लिम की दुनिया में इंसान कहाँ रहता है कोई बता दे। चिता है धतकी चूड़िया कुटी पहना रोई माता सिसकी, घर बने खंडहर कमरे रही उभर, लुटा हुआ सिंदूर है खुशियां सबसे दूर है, क्यों सभी पर छाया ये मौत का साया रहता है, मौत का साया रहता है। दुनिया में इंसान कहाँ रहता है, कोई निरंकारी है कोई नामधारी है, कोई तो यहूदी है कोई फिलिस्तीनी है, कैथोलिक कोई जोन कैथोलिक कोई रोमन बौद्ध कोई जैन है, कोई यहाँ शिया है कोई यहाँ सुन्नी है, क्यों नहीं अपने को कोई इंसान यहाँ कहता है। हिंदू की दुनिया में इंसान कहा जाता है। विज्ञान आगे बढ़ाया सबको उसने बतलाया, कौन खून गया भी है सबको उसने दिखलाया, पर हारा वो ना कह पाया खून कौन सा हिंदू का है, हारा वो ना कह पाया खून कौन सा मुस्लिम का है, पर हारा वो ना कह पाया खून कौन सा हिंदू का है, हारा वो ना कह पाया खून कौन सा मुस्लिम का है। किस खून से आती खुशबू सिखनी के दूध की, किस खून से आती मैं बोलो राजपूत की, लड़कर जब गिरता है खून आपस में मिलता है खून, मिलकर रहता मिलकर बहता कोई ना जाने किसका खून, मिलकर रहता मिलकर बहता कोई ना जाने किसका खून। उठो रे जागो रे संसार साझा खून करे पुकार, हमको जीवित रहने दो हमको यूं ना बहने दो, मिलकर जो रहने दोगे धरती को स्वर्ग बना देंगे, बचपन कहके यौवन बहके तुमको हम भगा देंगे। जितना पूछेगा कोई इंसान कहाँ रहता है, वेद सभी से यही कहेगा इंसान यहाँ रहता है।